Hello everybody, I am C.S. Pandey with Botany subjects from Urmila Devi PG College, Prasar Bharat. In today's class, we will discuss about the botany first paper of BSc second year. That is the first unit, and in this unit, we will discuss about the taxonomic botany. In the previous lectures, I have already discussed about the systems of the angiosperms, and later on, I have discussed about the natural systems of the classification, artificial system of classification, and some phylogenetic system of classification. But here, I will discuss about the phylogenetic system of classification parts that was left in the previous videos. That was the related with the Hutchinson's classification. जैसा कि हमने देखा कि पिछले वीडियो में हमने हचिंसन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, उसकी जो भी जनरल फीचर्स थे उसके बारे में, कुछ जो प्रिंसिपल रिलेटेड थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. इसके बाद जो फ्रेमवर्क था उस क्लासिफिकेशन को हमने उस पर फोकस किया और उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे हमने डिस्कस किया. अब उसमें कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जैसा कि हम जितने भी क्लासिफिकेशन हमने अपने इस लेक्चर्स में आप लोगों को डिलीवर किए हैं उनमें देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी में हमने कुछ जो भी डेट उसकी मेरिट्स रही हैं और कुछ डीमेरिट्स रही हैं. हर क्लासिफिकेशन की कुछ न कुछ उसकी मेरिट होगी, डीमेरिट होगी, उसी के आधार पे क्लासिफिकेशन को वहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिस पे वो फ्रेमवर्क किया जाता है. तो उसी तरीके से जो इसके पहले हमने आपको देखा होगा कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, और बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में भी हमने बताया था कि क्या उसकी मेरिट्स रही हैं, क्या डीमेरिट्स रही हैं, हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. इसके बाद फिर हमने इंग्रन एंड टेंकल क्लासिफिकेशन को आपके सामने रिप्रेजेंट किया. इसके बाद लेटर ऑन हमने हचिंसन क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया, उसके फ्रेमवर्क को आपको सामने बताया. तो आज का जो क्लास है वो ऑल इन ऑल जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उन्हीं पर बेस्ड होगा. अब वो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं हम जरा उस पर फोकस करेंगे, और एक एक करके हम उसकी मेरिट्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे. तो बिना देरी किए हुए हम आज के क्लास पे आते हैं. तो आज की क्लास में हमने जैसा कि बताया है कि यहाँ पे आप फोकस करिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हचिंसन सी एफ मीन्स क्लासिफिकेशन. तो जो हचिंसन का क्लासिफिकेशन है उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि द फर्स्ट पॉइंट इज द मेरिट, रिकॉर्डिंग विद द मेरिट. मेरिट के हिसाब से जो पहला पॉइंट से उसमें है, फैमिलीज एंड ऑर्डर्स आर स्मॉल इन साइज कंप्राइज क्लोजली रिलेटेड टैक्सा. दैट मीन्स द फैमिलीज दैट आर कंक्लूडेड अंडर द हचिंसन क्लासिफिकेशन दैट इज द टोटली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द इंग्लैंड पेंटर क्लासिफिकेशन और द हचिंसन क्लासिफिकेशन. सो दैट दिस क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट द सम स्मॉल फैमिलीज एंड आर्डर. जो आर्डर और फैमिलीज हैं इसमें वो बहुत छोटे हैं, और इस छोटे होने के कारण कि जो इस क्लासिफिकेशन को जो भी टैक्सा हैं वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं. अगर जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी पार्ट को कई पार्ट में, किसी चीज़ को अगर कई पार्ट में सब डिवाइड किया जाएगा तो उसमें जो रिलेशंस हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो जाएंगे. तो इस तरीके से इस क्लासिफिकेशन में जो मेरिट रही है कि जो टैक्सा और जो यहाँ पर जो फैमिलीज एंड ऑर्डर्स हैं, रहे इसको फोकस करेंगे कि जो फैमिली और ऑर्डर्स हैं ये स्मॉल इन साइज हैं. स्मॉल इन साइज होने के कारण इस जो क्लासिफिकेशन में
जो भी टैक्सा हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ फोकस करते हैं कि ये मेरिट, दूसरा मेरिट क्या है इस क्लासिफिकेशन की, दैट रेनल्स एंड मैग्नोलियस मैग्नोल्स आर प्राइमेटिव एमंग डाइकॉट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं उनमें से जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें रेनल्स को एज ए प्राइमेटिव माना गया है, और प्राइमेटिव है भी, तो उसमें यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है उनमें जो हचिनसन द्वारा जो प्रेजेंट किया गया है, इस क्लासिफिकेशन में हचिनसन ने जो अपना व्यू दिया है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो डाइकॉटिलेडंस हैं जे आर सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट हियर वी विल फोकस ओनली दैट पॉइंट, दैट इज द रेनल्स एंड मैग्नोल्स। यहाँ पे जो रेनल्कुलेसी फैमिली से हैं, मैग्नोलेसी फैमिली से हैं, ये सब जो हैं, ये जो फैमिलीज हैं और ये जो ऑर्डर्स, ये जो डाइकॉट फैमिली में एज ए प्राइमेटिव एक सबसे शुरू शुरू के इस ऑर्डर के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो मतलब ये कि शुरुआत के जो ऑर्डर्स हैं उनके बेसिस पे इसको फ्रेमवर्क किया गया है, जो कि डाइकॉट की ओरिजिन के आधार पे, डाइकॉट की जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं ऑर्डर के आधार पे इनकी शुरुआत हुई है। नाउ लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मेरिट दैट इज रिलेटेड टू द हचिनसन क्लासिफिकेशन। द थर्ड मेरिट, थर्ड मेरिट इज दैट मोनोकॉट्स फॉलोज डाइकॉट। यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि इस फ्रेम, जैसा कि आप इस क्लासिफिकेशन के फ्रेमवर्क को देखेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो डाइकॉटिलेडंस हैं उनको जो फ्रेमवर्क है, हम उस फ्रेमवर्क को मोनोकॉट के पहले रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो मोनोकॉट हैं एज ए फॉलोअर ऑफ द डाइकॉट, तो डाइकॉट को फॉलो कर रहे हैं मोनोकॉट। तो सो दैट इट इज ऑल्सो मेरिट ऑफ डिस्कस, बिकॉज इफ यू आर द रिडक्शनल इवोल्यूशन, यू आर फोकसिंग द रिडक्शनल इवोल्यूशन, दैट इज द इन द प्रिंसिपल ऑफ द हचिनसन क्लासिफिकेशन, दैट आई हैव ऑलरेडी बी डिस्कस अबाउट इट, दैट द हचिनसन क्लासिफिकेशन वाज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि इस इवोल्यूशन में यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही तरीके का यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अगर मोनोकॉट डाइकॉट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले डाइकॉटिलेडंस को यहाँ पर प्लेसमेंट मिला है, और ये डाइकॉटिलेडंस को प्लेसमेंट मिलने के बाद अगर मोनोकॉट आ रहे हैं तो ये एज ए रिडक्शनल डायरेक्शन में ये डेवलपमेंट या इसकी इवोल्यूशन को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो एज ए रिडक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रिलेवेंसी यहाँ पर ये मेरिट, और वी कैन सी दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो इस हचिनसन क्लासिफिकेशन की जो पॉजिटिविटी के आधार पे हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोनोकॉट है ये डाइकॉट को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक इसकी मेरिट है। फोर्थ मेरिट दैट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियो मीन्स एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम प्रोएंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे जैसा कि हमने हचिनसन के क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि हालांकि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को उस तरीके से कंसीडर नहीं किया कि जिस तरीके से नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेरिट के आधार पे देखी जा सकती है कि ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं यहाँ पे एंजियो मीन्स एंजियोस्पर्म्स, तो इनकी जो ओरिजिन है, इनकी जो शुरुआत है, इनका जो उद्भव है ये कहाँ से है, ए प्रो एंजियोस्पर्म्स, और है कैसे, हैड बेनेटियल कैरेक्टर्स, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेनेटियस दैट इज द फैमिली दैट इज द रिलेटेड टू द जिम्नोस्पर्म्स पार्ट दैट इज द सम क्रिटिकल पार्ट दैट हैव द कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स बोथ आल्सो। जो बेनेटियल्स हैं वो ऐसे एक
टेक्सचर हैं, ऐसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो कि दोनों ही तरीके के करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं, कि ये आपको कुछ एंजियोस्पर्म्स के भी करेक्टरिस्टिक्स को आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो देखने को मिलेंगे जो कि जिम्नियोस्पर्म्स हैं। तो इनको इसलिए इसको यहाँ पर जो प्रो एंजियोस्पर्म्स का नाम दिया गया है, तो जो प्रो एंजियोस्पर्म मीन्स प्रो का मतलब है कोई भी चीज़ की शुरुआत, और किसकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, एंजियोस्पर्म की। तो यहाँ पर प्रो एंजियोस्पर्म के रूप में इस डिजिग्नेट करने का एक जो मैटर है, जो मतलब है, वो यह बताता है कि यह एक आल्सो एक मेरिट है जो कि रिलेटेड है इस हचिंसन क्लासिफिकेशन से। अब यहाँ पे हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट हो गया और फिफ्थ पॉइंट पर आया द मोनोफाइलेट फाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट फ्रॉम डाइकॉट थ्रू द हर्बेस। जैसा कि आपने देखा है कि इस जो प्रीवियस लेक्चर में हमने हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन दिया था या आपको प्रेजेंट किया था, उसमें आपने देखा था कि जो डाइकॉट वो सब डिवाइडेड है टू पार्ट में, लिग्नोसी एंड हर्बेसी। तो हर्बेसी बाद में है जो कि हर्बेसियस प्लांट पर करेक्टरिस्टिक्स पर हैं रिलेटेड, जो हर्बिट के आधार पर हम सब डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो मोनोकॉट्स हैं ये डाइकॉट्स से इनकी ओरिजिन हुई है और ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। मोनोफाइलेटिक मतलब है कि इसमें किसी तरीके की ब्रांचेज नहीं है, एक सीरीज में, जैसे कि अगर कोई चीज़ यहाँ से कोई अगर ये डाइकॉट है फोकस ईयर, तो यहाँ पर जो दूसरी ओरिजिन हो रही है तो डायरेक्ट यहाँ पर ये मोनोकॉट के रूप में हो रही है। तो इसलिए डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के रूप में यहाँ पर जो ओरिजिन हो रही है उन बेसिस को यहाँ पर हम देखते हुए इस चीज़ को यहाँ पर किया गया है। तो इसलिए एक मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। मोनोफाइलेटिक का मतलब है कि एक ही दिशा में सतत रूप से वहाँ पे उसका आइदर दे आर रिडक्शनल और द प्रोग्रेशनल इवोल्यूशन दे आर फॉलोइंग। अब हम कुछ डीमेरिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे फाइव मेरिट्स के बारे में हमने हचिंसन क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम कुछ मेरिट जो डीमेरिट्स हैं, तो डीमेरिट्स क्या हैं? नंबर ऑफ नो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो इस जो क्लासिफिकेशन है, जो हचिंसन क्लासिफिकेशन है, इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। किस लिए? क्योंकि इसका जो रिलीवेंस है, ये जो ऑथेंटिसिटी है, ये एज ए डाटा कलेक्टेड रिगार्डिंग टू द कंप्यूटर बेस्ड डाटा, ये जो डाटा है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। तो कंप्यूटर बेस्ड डाटा होने के कारण इसका जो प्रैक्टिकल जो वैल्यू है एज ए हर्बेरियम, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको एक सिस्टम के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना या फिर इसको कलेक्ट करना, इसको यहाँ पे किसी तरीके से एक फाइलम के रूप में उसको यहाँ पे इकट्ठा करना या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो इस तरीके से इसकी जो एक फाइल के रूप में अगर हम इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर उसको जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी, ये जो है थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेड है। तो इसलिए एक इसकी शॉर्ट कमिंग्स है, जो कि आइडेंटिफिकेशन के रूप में जो हम अब कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं बॉटनी में, उसको पहचानते हैं या उसको डिवीजन सब डिवीजन ऑर्डर क्लास ऑर्डर फैमिलीज जीनस स्पीसीज जो भी हम इसको देते हैं, तो उस तरीके से उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। और वो आइडेंटिफिकेशन किस बेस पर होती है कि उस प्रैक्टिकल वैल्यू को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी ऐसी कोई नहीं है कि जिस तरीके से हम, क्योंकि डाटा बेस्ड काम है यहाँ पर, किसी के द्वारा डाटा कलेक्टेड हुए हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर फ्रेमवर्क हुआ है। नाउ द सेकेंड डीमेरिट इज दैट डिवीजन ऑफ डाइकॉट ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन को यहाँ पर बता रहे थे, तो हमने बताया कि जो ये क्लासिफिकेशन है ये टोटली हैबिट के आधार पर जो डाइकॉट हैं उनको सब डिवाइडेड किया गया है। तो उसका सब डिवीजन हुआ है, तो डाइकॉट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिग्नोसी एंड हर्बेसी। तो इस बेसिस पर जो हैबिट के आधार पर उनके आवास या ये रहवास के आधार पर जहाँ पे पौधे प्लांट प्राप्त हुए हैं, आइदर दिया द हाइड्रोफिटिक या जीरोफिटिक, इस तरीके से जो कंडीशंस के बेस पर हमने इस क्लासिफिकेशन को दिया और उसी के आधार पे हमने जैसे कि उसको हर्बेसी और कुछ तो जैसे कि अगर जो प्लांट्स वाटर में पाए जा रहे हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं, तो उनको हमने देखा कि यहाँ पे हर्बेसियस प्लांट ज़्यादा रिलेटेड हैं और जो प्लांट्स आपको जीरोफिटिक कंडीशंस या फिर आपको टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में पाए जा रहे हैं
उनको हमने देखा कि वो जो है लिग्नोसियस में जो बूडी प्लांट्स हैं वहाँ पे बूड्स की संख्या या बूड्स की मात्रा ज़्यादा है। तो इस बेसिस पर जो क्लोजली रिलेटेड जो यहाँ पे जो फैमिलीज हैं, कौन सी फैमिलीज, जैसे कि क्रूसीफेरी, लेबिएटी, वर्बिनेसी, ये सब फैमिलीज जैसा कि आप देखेंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि जो भी जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग टू द टू दिस सिंस इन रूरल टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट यू विल फाइंड हियर दैट द क्रूसीफेरी, लेबिएटी एंड वर्बिनेसी दीज आर द क्लोजली रिलेटेड ज्यादा दीज आर द क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज बट हियर दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर। ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं और ये क्या है कि एक दूसरे से क्या है कि ये सेपरेटेड हो गई हैं, दूर हो गई हैं। वेयर एज द लिलिएसी एंड एमरल्डिएसी फैमिलीज दैट आर द पार्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स एंड दे आर सब डिवाइडेड पार्ट एंड दे आर क्लब टुगेदर हैविंग द सम डिफरेंट क्राइटेरियाज बट आर क्लब टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड डाटाज एंड टैक्सास दैट आर फैमिलीज आर क्लोज टुगेदर आइदर दे हैव द सम मच मोर डिफरेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम करेक्टरिस्टिक के आधार पर देखते हैं तो ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं लेकिन नेचुरल सिस्टम में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हचिनसन टी सिस्टम में इस क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से क्लब टुगेदर है। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर ऑल्दो दिस करेक्टर दिस क्लासिफिकेशन हैव सम डीमेरिट्स एंड सम शॉर्टकमिंग्स आल्सो बट इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन द ऑल ओवर द कंट्रीज बट ऑल्सो हैव द सब साउंड बेसिस फॉर द इनकमिंग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सच एज द ओस्टवाल्ड, टिप्पो एंड टैक्साजन कॉन्क्वेस्ट एंड टैक्साजन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां भली रही हैं लेकिन फिर भी ये क्लासिफिकेशन है क्या कि जो आने वाले जो क्लासिफिकेशंस हैं आने वाले जो क्लासिफिकेशंस थे जैसे कि आपने ऑस्टोवाल्टिक को और कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट एंड टैक्साजन के लिए एक बेसिस का काम किया और ये फाउंडेशन का काम किया। तो इस एक शॉर्ट व्यू में हम इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि ये सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रिगार्डिंग टू द हचिनसन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट मेरिट इज द फैमिली एंड ऑर्डर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कंप्राइजेस टू द क्लोजली रिलेटेड टैक्सा। क्लोजली रिलेटेड टैक्सा एक दूसरे से क्लोज हैं, क्यों, द बेसिस क्या बनता है कि जो फैमिलीज एंड ऑर्डर हैं वो एक दूसरे से साइज में छोटे होने के कारण। रेनल्स एंड मैग्नोलियस इज प्राइमेटिव अमंग डाइकॉट्स, यहाँ पे डाइकॉट्स ने रेनल ऑर्डर्स रेनल्स एंड मैग्नोल्स को यहाँ पे एक किस तरीके से माना गया है एज ए प्राइमेटिव, एक पुरातन के रूप में शुरुआत के रूप में मानी गई है कि यहाँ से शुरुआत जो डाइकॉट की शुरुआत होती है वो इन्हीं दोनों ऑर्डर्स की शुरुआत इसकी होती है। तीसरी मेरिट है कि मोनोकॉट फॉलोड डाइकॉट। जब आप इसके क्लासिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डाइकॉट के बाद ही मोनोकॉट को फेम किया गया है। चौथी यहाँ पे मेरिट है कि ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो इसके एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ रहे हैं ये पो एंजियोस्पर्म्स टाइप से इसकी ओरिजिन हुई है, तो जो कि किससे, हर्बेसियस बेनेटियल करेक्टर्स, जो बेनेटियल करेक्टर्स हमने बताया है कि ये जो है एज ए क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन पार्ट ऑफ दिस टू प्लांट किंगडम दैट इज द एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म। जैसे जिम्नोस्पर्म खत्म होता है जैसे एंजियोस्पर्म शुरू होता है बेनेटियल्स को यहाँ पे स्थान दिया गया है जिसमें दोनों ही तरीके के करेक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये बेनेटियल्स में तो प्रो एंजियोस्पर्म्स के रूप में इस एंजियोस्पर्म की शुरुआत मानी जाती है। चौथा जो ओरिजिन ऑफ हो गया चौथा पॉइंट, पाँचों पॉइंट है द मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट फ्रॉम डाइकॉट थ्रो हर्बेसिस। तो जो मोनोकॉट फाइलेटिक ओरिजिन मतलब कि एक ही सीरीज में जो डाइकॉट्स हैं उनके बाद ये आपके मोनोकॉट्स यहाँ पे उनकी ओरिजिन होती है
और ये कहाँ से, ये हर्बेसियस से शुरुआत होती है, जहाँ हर्बेसियस में डाइकॉट्स में हर्बेसी ख़त्म होते हैं वहीं से इसके बाद मोनोकॉट्स की यहाँ पे शुरुआत होती है। कुछ डीमेरिट को हम देखते हैं कि यहाँ के कुछ डीमेरिट्स में हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू के आधार पर ये जो हचिंसफुल क्लासिफिकेशन है उतनी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रहता है। और यहाँ पर सेकेंड जो डीमेरिट है, डिवीजन ऑफ द डाइकॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट इनटू लिग्नोसी हर्बेसी एंड क्लोजली रिलेटेड फैमिली। यहाँ पे जो डाइकॉट्स हैं उसमें जो बेसिस बना हुआ है कि हैबिट के बेस पर, आवास के बेस पर, आवास के बेस पर उसको लिग्नोसी हर्बेसी के रूप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इस डिवीजन का इफेक्ट क्या पड़ता है क्लासिफिकेशन पे, जरा उसको देखिएगा कि इसमें जो फैमिलीज जो क्रूसीफेरी है, लेबिएटी है, वर्बिनेसी फैमिली है, ये सब फैमिलीज को आप फोकस करिएगा। ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं, जैसा कि आप जब बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये क्लोजली रिलेटेड फैमिली है, लेकिन यहाँ पर ये इस बेसिस के आधार, हाइब्रिड के बेस के आधार पर अगर इसके क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं तो ये काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से हो जा रहे हैं। और तीसरा मेरिट यहाँ, डी मेरिट यहाँ पे इसकी है कि लिलिएसी एंड एमरल्डिएसी एक ऐसी फैमिली है जिसके करेक्टरिस्टिक्स को दे आर फार फार सम डिफरेंसेस टू ईच अदर, जैसा कि उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन ये आवास के आधार पे दोनों ही टेरेस्ट्रियल फैमिलीज के होने के कारण ये इनको क्या किया गया है, क्लब टुगेदर, एक दूसरे से कहाँ हैं, जुड़ गए हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वुड लाइक टू से दैट द डीज डीमेरिट रिगार्डिंग टू द डीमेरिट सम डीमेरिट एंड मच मोर मेरिट्स कंक्लूडेड टू बी वीकन से, मैं कह सकता हूँ कि जो इस क्लासिफिकेशन है हचिंसन का क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा बृहद मात्रा बहुत बृहद क्षेत्रों में ये एक्सेप्ट किया गया और फॉलो किया गया। और ये आने वाले जो क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन आइदर द ओस्टवाल्टी पो कॉन्क्वेस्ट एंड टक्टाजन के लिए जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उनके लिए एक साउंड बेसिस बना। थैंक्स आज के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द टैक्सोनॉमी, दैट इज द प्लांट नामेक्लेचर। अब हम टैक्सोनॉमी में ये देखेंगे कि जो प्लांट के नामेक्लेचर हैं उनको किस बेसिस पे उनका नामेक्लेचर किया गया है, और उनकी नामेक्लेचर के लिए जो रूल्स हैं उनको क्या क्या रूल्स फॉलो किए गए हैं उनको हम जरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शुरू शुरू में जो प्लांट्स के टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको बॉटनिकल नामेक्लेचर की बात करते हैं, फ्रेश कर पाता, तो इस बॉटनिकल नामेक्लेचर में हमें देखते हैं कि शुरू शुरू में जो प्लांट्स के नेम थे वो पॉलीनोमियल्स, यहाँ पर फ्रेम यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो टर्म्स पॉलीनोमियल्स है, पॉलीनोमियल्स का मतलब है कि जो प्लांट के जो नामेक्लेचर हैं, जो नेम हैं, उनमें कई क्राइटेरियाज को ऐड किया गया है। तो उन क्राइटेरियाज में जैसे कि उनके कुछ तो उनके जो नेम हैं, जो उनको जिस नेम के आधार पर उनको डिजिनेट किया गया है वो है। इसके बाद उसमें कुछ सम टर्म्स और भी फॉलो करते हैं, जैसे कि उसके कुछ एडजेक्टिव्स होंगे, और वो एडजेक्टिव्स कैसे होंगे, दे आर द ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर डेवलपमेंट रिगार्डिंग टू द सॉयल, जैसे कि किस सॉयल में प्राप्त होते हैं, किस पर्टिकुलर प्लेस में प्राप्त होते हैं, किस पर्टिकुलर कंट्री से इसकी ओरिजिन हुई है, उस बेसिस पे हम उसको मल्टी टर्म्स को हमने ऐड किया है किसी भी जो नेम है। तो उनमें जैसे कि कहा जाता है शुरू शुरू में जो बाइनोमियल्स बाद में आए उसके पहले पॉलीनोमियल्स थे। तो पॉलीनोमियल्स में जो भी जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, आज मैंगो का नाम है तो इसको हम बॉटनिकल नेम इसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका जो शब्द जुड़ा हुआ है इससे हम ये जानते हैं कि जो इंडिका शब्द है ये जो है इंडिया से रिलेटेड है। इसका मतलब है जो आम की ओरिजिन हुई है, आम की जो उत्पत्ति हुई है वो जो कहाँ से हुई है, यहाँ इंडिया से हुई है। तो
तो इस तरीके से अगर उसमें अगर उसके जो स्पेसिफिक नेम थे उसमें कुछ और अगर ऐड कर देते हैं, किस लोकेलिटी से प्राप्त हुआ है, इंडिया में भी किस लोकेलिटी से अगर इसकी ओरिजिन हुई है, तो इस तरीके से उसमें जो नेम्स हैं उसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं और ऐड होते जा रहे थे। तो शुरू शुरू में जो नेम्स थे वो इसी बेसिस पे कि कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, अगर कहीं पे ओरिजिन हुई तो ओरिजिन की बेस पे, अगर कहा जा सकता है कि ये किस पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जा रहा है कि अगर हाइड्रोफिटिक है कि ज़ेरोफिटिक है टेरेस्ट्रियल है, उस बेसिस के आधार पर भी उन्होंने इस नामेनक्लेचर को वहाँ पे डिजिग्नेट किया। लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं रहा, यहाँ पर कुछ ड्राबैक्स थी, कुछ विसंगतियाँ थी, जिस कारण से इसको पूरी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं रहा। बाद में लेटर ऑन जो बाइनोमियल नामेनक्लेचर था जो कि आज के लिहाज से पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, और ये बाइनोमियल नामेनक्लेचर है ये किसने दिया था, जैसा कि आप यहाँ पे नेम को देखते हैं कि ये कैरोलस लीनियस महोदय द्वारा दिया गया था। तो कैरोलस लीनियस महोदय ने ये बाइनोमियल जो नामेनक्लेचर था उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है जेनरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम मैंगो को ही देखते हैं और यह है मैंगीफेरा, इंडिका, और यहाँ पे ब्रैकेट में यल आई डबल एन करके लिखा रहता है, ठीक है। अब इन दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। अब अंडरलाइन करने का जो रूल्स हैं इसी के बेसिस पर ये जो नेम्स हैं उसको फ्रेम किया गया है, और ये रूल रिगार्डिंग टू द कैरोलस लीनियस महोदय द्वारा दिया गया था। अब इसमें दो पार्ट्स में बाइनोमियल नामेनक्लेचर को डिवाइड किया गया है, तो उसमें पहला पार्ट ये जो वाला पार्ट है इसको कहते हैं कि जेनेरिक नेम, और दूसरे वाले पार्ट को हम कहते हैं स्पेसिफिक नेम। तो जो जेनेरिक नेम है, जो मैंगीफेरा है, जो टर्म्स मैंगीफेरा है डिजिग्नेटेड दैट इट इज़ द नाउन, ये यहाँ पे नाउन है। नाउन मीन्स आप संज्ञा को जानते हैं, संज्ञा के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो मैंगीफेरा है एक संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में यहाँ पर डिजिग्नेटेड है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं स्पेसिफिक नेम, तो ये स्पेसिफिक नेम ये एज एडजेक्टिव भी है, या फिर आप इसके नाउन के रूप में कह सकते हैं कि किसी अगर पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया गया है, या किसी पर्टिकुलर कंट्री, यहाँ पर जैसे इंडिया है तो इंडिया क्या है, एक कंट्री है, अब ये नाउन के रूप में है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिका वर्ड है ये एज ए नाउन डिजिग्नेट है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्पेसिफिक नेम है ये एडजेक्टिव ना होकर के कहाँ पर क्या है, नाउन है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे कहा जा सकता है फाइकस बेंगालेंसिस, बंगाल से जो आपके बनियन, जो आपके बरगद की बात की जाती है, बरगद का जो वृक्ष है, इसमें दो वर्ड्स आते हैं फाइकस एंड बेंगालेंसिस। तो फाइकस तो जाहिर सी बात है ये बरगद के रूप में ये पहला जो नाउन वर्ड है ये जेनेरिक नेम है एज ए नाउन। दूसरा बेंगालेंसिस कि ये बंगाल से रिलेटेड है तो इसलिए इसको हम बेंगालेंसिस कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दो पार्ट में जो बाइनोमियल नामेनक्लेचर जो कैरोलस लीनियस महोदय द्वारा दिया गया है उसमें एक यल आई डबल एन करके जो वर्ड लिखा रहता है ये कैरोलस लीनियस के कह सकते हैं कि उनके रेस्पेक्ट में ये लगभग हर जो भी बोटानिकल नेम है उनमें ये चीज़ें दी गई रहती हैं, इसमें लिखा गया रहता है। तो इस तरीके से कैरोलस लीनियस ने जैसे जितने भी आपको बाइनोमियल्स नामेनक्लेचर में आपको जितने भी प्लांट के जो नेम हैं उनको अगर हम बोटानिकल नेम्स कर सकते हैं, तो बोटानिकल नेम को अगर हम देखते हैं तो बोटानिकल नेम में दो ही पार्ट में वो प्लांट के नेम डिवाइड हैं, और वो दोनों ही पार्ट इस तरीके से हैं कि एक पार्ट तो हम नाउन कर सकते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको हम एडजेक्टिव और नाउन के आधार पे हम अगर वो किसी क्वालिटी के बेस्ड पर वो पर्टिकुलर उस प्लांट की कुछ क्वालिटी के बेस पर अगर उसके नाम को जो स्पेसिफिक नेम है उसको फ्रेमवर्क किया गया है तो अब हमें जानते हैं कि ये एज ए एडजेक्टिव होगा। तो स्पेसिफिक जो नेम है इसको दो भागों में ही डिवाइड किया गया है और ये आइदर नाउन हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है।
अगर वो क्वालिटी के आधार पे इस स्पेसिफिक नेम को डिजिग्नेट किया जा रहा है तो एडजेक्टिव है, और अगर ये नाउन के आधार पर डिजिग्नेट किया जा रहा है, उसके नाम पे या पर्टिकुलर स्थान के नाम पे डिजिग्नेट किया जा रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, नाउन है। और लिन एल आई डबल एन, तो ये कर्वस इंग्लिस महोदय द्वारा, और ये कब दिया गया था, 1753। और ये कौन सी एक बुक थी, स्पीसीज प्लांटेरम, ये बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम। तो इस तरीके से स्पीसीज प्लांटेरम में ये कार्लोस लुईस महोदय ने बायोनोमियल नामेनक्लेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और वही बेसिस बना जो आज के समय में भी नाम जो नामेनक्लेचर हैं प्लांट नामेनक्लेचर के लिए एक फाउंडेशन के रूप में काम कर रहा है। और उसी के बेस पर आज हम जितने भी प्लांट्स को देख रहे हैं, आइदर द डाइकॉट और द मोनोकॉट, ये सभी जो प्लांट हैं, या आइदर दे आर आल्सो बी पर्टिकुलर द टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म सो ऑन सो ऑन, दे आल्सो हैव द बायोनोमियल सिस्टम्स एंड देयर नेम्स आर सब डिवाइडेड इनटू जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम, एंड दे आर आल्सो बी सम स्पेसिफिक फीचर्स रिगार्डिंग टू द कार्लोस लुईस महोदय एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स मूव द सम नामेनक्लेचर्स फीचर्स, दैट हाउ दीज नामेनक्लेचर्स एंड द प्रिंसिपल्स आर कम, दैट मीन्स कैसे ये फ्रेमवर्क किए गए हैं, इसके पीछे क्या डायरेक्ट कोई चीज़ आई, क्या इसके पीछे कोई चीज़ हेल्ड हुई, या कोई कांग्रेसन या फिर कुछ हुआ, उसके आधार पे जो पहला जो है, ये जो प्रिंसिपल है जो नामेनक्लेचर का जो लॉ बना, उसके लिए जो बेसिस बना वो फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कोड है जो कांग्रेस है, ये कब हेल्ड हुई है, IBC मीन्स इंटरनेशनल, बी मीन्स बॉटनिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन लंदन 1866 में, लंदन में ये इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हेल्ड हुई। और इसके बाद यहाँ पर जो रूल लागू किए गए उसका नाम है लॉ ऑफ नामेनक्लेचर। तो जो नामेनक्लेचर के लिए जो रूल्स या जो लॉ बनाए गए वो इस लंदन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने यहाँ पे फ्रेमवर्क हुई, वहाँ पे ड्राफ्टिंग की गई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग हुई ला थी ये 1866 में। दूसरा है जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामेनक्लेचर, तो जो ICBN जो है, आज किसी भी नाम को या किसी भी प्लांट को अगर आपने क्या किया है कि रिसर्च के दौरान उसको आपने खोजा है और उसके नामकरण को दिया है, तो जो नामकरण है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है ये ICBN तय करती है। ICBN की कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स जो रॉचेस्टर कोड 1892 में जो है पारित किए गए, और बेसिस क्या बने कि न्यू स्पीसीज बेस्ड ऑन द हर्बेरियम, जो भी उस समय के हर्बेरियम स्पीसीज नेम में जो चीज़ें कलेक्ट की गई थी उसी के बेसिस के आधार पे जो नामेनक्लेचर को उन्होंने जो प्रिंसिपल्स थे उसको यहाँ पर फ्रेम किया। तो जो बेसिस बना ये दो कांग्रेस, जो एक तो 1866 में और एक 1892 में, ये दोनों ही बेसिस बने जो कि प्लांट नामेनक्लेचर के लिए एक फाउंडेशन के रूप में काम की, और उसी के बेस पर इनके नामेनक्लेचर को दिया गया। अब हम कुछ यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं और कैसे प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल या जो सिद्धांत हैं जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामेनक्लेचर दैट वाज फ्रेम इन द रॉचेस्टर कोड इन 1892, जो 1892 में रॉचेस्टर कोड के रूप में जाना गया है। और इस समय ICBN का फ्रेमवर्क हुआ था। तो इस ICBN के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसको उन्होंने पारित किया, जिसके बेस पर आज भी जो प्लांट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है कि उनका नामकरण किया जा रहा है, और वो कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पर ICBN उस चीज़ को, प्रिंसिपल को फॉलो कराती है। तो उस प्रिंसिपल को हम तरह देखेंगे। पहला प्रिंसिपल ये है,
कि बॉटनिकल नामेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नामेनक्लेचर। जैसा आप जानते हैं कि सिर्फ बॉटनी में ही नहीं, द नामेनक्लेचर आर ऑल्सो भी रिलेटेड रिगार्डिंग टू द जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जूलॉजी में भी जो भी जंतु हैं उनके भी जो नेम्स हैं, जूलॉजिकल नेम्स हैं, वो भी दिए गए हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेम्स जो जूलॉजी में हैं वो बॉटनी में भी अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो ये कंट्राडक्टरी बात होती है। तो यहाँ से जो ICPN ने जो रूल यहाँ पारित किया उसे बताया कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो पूरी तरीके से उससे क्या है, स्वतंत्र है। आप उसमें ओवरलैपिंग की बात ही नहीं कर सकते या ओवरलैपिंग की संभावना शून्य या नगण्य है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ICPN जो अपना नामेनक्लेचर का जो रूल यहाँ पे पारित किया गया है उसमें पहले ही रूल में इस चीज़ को पूरी तरीके से क्या किया है कि बाउंड किया गया है कि ये प्लांट है, इसका प्लांट की क्लासिफिकेशन या प्लांट का जो नामेनक्लेचर है उसको किस तरीके से दिया जाना चाहिए, तो इसको जूलॉजिकल नामेनक्लेचर से पूरी तरीके से बाइफर्केट है और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक दूसरे से अलग है। दूसरी बात करते हैं कि नेम्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नामेनक्लेचर टाइप। तो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं, जो भी प्लांट्स के जो नेम हैं, किसी भी टैक्सा का नेम है, जो भी प्लांट्स से रिलेटेड है प्लांट किंगडम में, वो किस टैक्सा से रिलेटेड है, वो क्या डिजिग्नेट करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, बाय नामेनक्लेचर टाइप। तो जो नामेनक्लेचर है कि ये जूलॉजिकल नामेनक्लेचर है, बॉटनिकल नामेनक्लेचर है, और वो किस तरीके से फ्रेम किया गया है, वो इस टैक्सा को डिजिग्नेट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि उसी नामेनक्लेचर के आधार पर उस टैक्सा को डिटरमाइन करेगा कि जाए आइदर द प्लांट टैक्सा और द जूलॉजिकल टैक्सा। तो इस तरीके से दूसरा रूल, थर्ड रूल, द नामेनक्लेचर ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। देखिए एक सीरीज में ये जो भी रूल्स हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया गया है ICBN द्वारा। पहला किया गया है कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं, मतलब एक हायर लेवल पर देखा गया है कि पूरे टैक्सा को इन्होंने जैसे कि डिजिग्नेट करने की बात की गई, तो जो भी टैक्सा का डिजिग्नेशन है वो नामेनक्लेचर के आधार पर डिजिग्नेट किया गया है कि उस किस प्लांट को किस तरीके से नामेनक्लेचर उसका हुआ है, उसी बेसिस पर उस टैक्सा को डिजिग्नेट किया गया। मतलब कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो एज ए होल कह सकते हैं प्लांट किंगडम का, उसको डिजिग्नेट करने के लिए उसके नीचे वाले सीरीज से ही उसको पता चलता है कि ठीक है। और जो उससे भी नीचे है, जैसे कि अगर हम टैक्सोनॉमिक ग्रुप को नामेनक्लेचर से अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो जो नामेनक्लेचर है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। जो भी प्रिंसिपल्स ICBN द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं उनमें क्या प्रायोरिटीज दी गई हैं, किस बेसिस पर उस रूल को लागू किया गया है। तो ये जो नामेनक्लेचर हैं वो जो रूल्स हैं ICBN द्वारा बनाए गए हैं, जो आर्टिकल्स हैं उनके आर्टिकल्स के प्रायोरिटी के आधार पे जो है उनको नामेनक्लेचर किया गया है, उनको बताया गया है कि इसका नाम ये होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल जो रूल हैं ICBN के, जो प्रिंसिपल हैं, जो आर्टिकल्स हैं जो दिए गए हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर उनके नाम पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो फोर्थ प्रिंसिपल है ICBN का, तो उसमें है कि ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजिशन एंड रैंक। अब जो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं ये उसका एक लिमिटेड क्राइटेरियाज है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह सारी चीज़ों को, उसका एक पर्टिकुलर एक क्या है, सर्कमस्क्रिप्शन है, पोजीशन है, रैंक है, वो किसी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, किसी एक पोजीशन, किसी एक रैंक में, किसी एक मतलब सर्कमस्क्रिप्शन मतलब कि उस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं उस पोजीशन उसी के आधार पर उसका जो पोजीशन है उसके रैंक है वो फिक्स है,
ऐसा नहीं कि वो सब अलग अलग जो हैं एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सब चीज़ें क्या हैं, ये फिक्स हैं, उसी के बेसिस पर ये प्रिंसिपल बनाया गया। बियर ओनली वन करेक्ट नेम, अगर फर्स्ट रैंक या कोई पोजीशन किसी भी टैक्सा का दिया गया है तो उसमें कोई एक नाम ही वहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी रैंक पर अगर दो प्लांट आ गए तो उसको सभी को एक ही नाम दे दिया जाएगा, नहीं, उसमें कुछ न कुछ ऐड करके उसमें जो नाम है उसके जो नेम है वो तो किसी एक पर्टिकुलर नेम को डिजिग्नेट करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी रैंक पर अगर दो प्लांट को एक ही रैंक पर रखा गया है तो दोनों प्लांट का नाम एक जैसा होगा। उसमें क्वालिटीज़ के आधार पे, उसमें जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस के आधार पे इसको क्या किया जाएगा, उसको नामकरण किया जाएगा, उसमें कोई एक ही नाम करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि सभी नाम जितने भी वहाँ पे आए हुए हैं जो भी प्रेस्क्राइब हुए हैं सभी के सभी जो है नामक्लेचर में फॉलो करे जाएंगे। पाँचवा और हम जो प्रिंसिपल है ICBM द्वारा हम उसको ज़रा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पाँचवा प्रिंसिपल है कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन। तो जो साइंटिफिक नेम है, जो भी यहाँ पे जो बोटानिकल नेम है उन्हीं को हम साइंटिफिक नेम के नाम से समझे। जैसे कि हम आम, मैंगो, मैंगो इंग्लिश में है, आम हिंदी में है और बोटानिकल नेम है मैंगिफेरा इंडिका। तो ये जो बोटानिकल नेम है इसी को हम साइंटिफिक नेम्स के नाम से जानते हैं। और ये साइंटिफिक नेम किस वर्ड में लिखा जाना चाहिए, लैटिन वर्ड में, रिगार्डलेस ऑफ देयर डेराइवेशन। ओके, बात पे बस हो गया, 10 मिनट। द साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन वर्ड। तो जहाँ पर हम साइंटिफिक नेम को यहाँ पे देख रहे हैं कि एक किस तरीके से लैटिन वर्ड में ही रिगार्डलेस देयर डेराइवेशन, मतलब ये किस तरीके से डेराइव है उसके बेसिस को नहीं देखा जाएगा, कहाँ से डेराइव हुए हैं, कहाँ से यहाँ पे ओरिजिन हुई है, ये बात नहीं है। बात यह है कि उसको जो जो भी हम लिखेंगे उसमें इटैलिसाइज में लिखेंगे और लैटिन भाषा में, वो जो है जो नेम होगा जो एक्सेप्टेबल होगा वो टोटल लैटिन भाषा में ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। रूल 6 कहता है द रूल्स ऑफ नामेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। तो नामेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो रिट्रोएक्टिव है, मतलब कि उनको पीछे से भी देख उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रिजिडनेस है उसमें, अगर कोई भी जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड ऐसे भी रूल्स जो नामेनक्लेचर के लिए यहाँ पर दिए गए हैं वो क्या है कि वो रेट्रोएक्टिव है, बाद में भी उसको क्या किया जा सकता है, परिवर्तन या लगाया जा सकता है, पहले से भी लगाया जा सकता है, बाद में भी उसको क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। हाँ, हालांकि ये बातें जो हैं ये बहुत ही लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं कि ये जो रूल्स हैं ये पूरी तरीके से हर जगह लागू हैं, इन सब चीज़ों को क्या है ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब हम एक शॉर्ट भी इस चीज़ को आपको रिकॉल कराते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगेगा। पहला है कि पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स का मतलब है कि जो शुरू में जो नामेनक्लेचर्स थे उसमें तमाम एडजेक्टिव्स एंड टर्म्स को जोड़ते हुए उस नेम को कई टर्म्स, मतलब कि उसको पॉलीनोमियल्स करना, ये चीज़ को कई नाम से हम उसको क्या किया है, डिजिग्नेट किया गया, कई नामों से उसको पुकारा गया और उस तरीके से उसको जोड़ने के बाद तो उसको पॉलीनोमियल्स का नाम दिया गया। हालांकि वो बेसिस नहीं बना, वो फाउंडेशन नहीं बना कि जो आगे आने वाले जो भी जो नामेनक्लेचर्स थे, जो रूल्स थे, जो कि हमने यक भी आज भी हम जानते हैं कि जो नामेनक्लेचर हैं वो किस बेसिस पे हैं, ये टोटली जो है ये कार्लोस लिनियस महोदय ने जो बायनोमियल नामेनक्लेचर्स का जो सिस्टम दिया है उसी को बेस मान करके ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया और नामेनक्लेचर किया गया, सॉरी। लेकिन बाद में पॉलीनोमियल्स को क्या किया गया, वो पूरी तरीके से नल माना गया, उसको नहीं समझा गया, मतलब उसको वो प्लेस नहीं दिया गया जो उसको मिलना चाहिए था। बाद में बायनोमियल नामेनक्लेचर जो कि
कर्लोस रीनियस महोदय द्वारा दिया गया और ये 1753 में दिया गया और ये बुक इसी प्लांटेरियम में इन्होंने इस नामेनक्लेचर को यहाँ पे दिया। इसमें दो पार्ट में नामेनक्लेचर को इन्होंने बताया, पहला है जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमेशा से एक नाउन के रूप में जाना जाता है, स्पेसिफिक नेम को एडजेक्टिव और आइदर एडजेक्टिव और द नाउन। अगर यहाँ पर दो भाग में देखते हैं कि ये मैंगीफेरा और इंडिका, ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, और ये ब्रैकेट में ELIN लिखा जाता है और इसको अंडरलाइन हमेशा किया जाता है, तो ये रूल है। और ये नेम जो है कर्लोस रीनियस महोदय के रेस्पेक्ट में ये जो ELIN लिखा जाता है। फिर बाद में हमें देखते हैं कि अब जो कुछ रूल्स हैं जो कि नामेनक्लेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो कैसे फ्रेम किए गए, उसके लिए कौन कौन से जो कांग्रेस या फिर जो समिति कैसे कैसे क्या चीज़ें बनी, उसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट IBC इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो 1866 में लंदन में हुआ और ये ड्राफ्ट किया गया लॉ ऑफ नामेनक्लेचर, नामेनक्लेचर के लॉ को यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया। फिर दूसरा जो है ICBL, ये रॉचेस्टर कोड 1892। अब 1892 में ये रॉचेस्टर कोड लागू किया गया और इसमें क्या बना कि ये जो हर्बेरियम बेस्ड पर ये जो भी जो न्यू स्पीसीज इसमें जो भी जोड़ी गई हैं, तो हर्बेरियम जो स्पेसिमेंट थे उसमें से चीज़ों को क्या किया गया है, उस स्पीसीज को वहाँ से कलेक्ट किया गया कि इसी कोड के आधार पर ICBN का उद्भव होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नामेनक्लेचर का उद्भव होता है। फिर बाद में यहाँ पर जो प्रिंसिपल कुछ बने उन प्रिंसिपल को आप देखते जाए हैं, प्रिंसिपल 6 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और उस 6 प्रिंसिपल्स में आपने देखा है कि पहला बोटानिकल नामेनक्लेचर जो है जूलॉजिकल नामेनक्लेचर से अलग है, दूसरा हमें देख रहे हैं कि नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो सबसे बड़ा सबसे शुरुआत का ही जो डाटा है जो कि किसी प्लांट का प्लांट किंगडम का वो किस रूप में डिटरमाइन किया गया, उसकी नीचे वाली पीढ़ी से जैसे कि नामेनक्लेचर के टाइप में डिटरमाइन किया गया और नामेनक्लेचर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी से डिटरमाइन किया जाएगा। और यहाँ पे चौथा हमें देखते हैं ईस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप की कोई एक रैंक होगी, कोई एक पोजिशन होगी और किसी एक रैंक पोजिशन पर होने के बावजूद भी किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का एक ही करेक्ट नेम होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कोई कई नाम आने के बाद आप सबको अपना नाम कर दे देंगे, उसके पेयर्स जो रूल्स हैं जो नामेनक्लेचर के वो किसी एक नाम के लिए होगा। और पांचवा प्रिंसिपल है कि स्पेसिफिक नेम साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जो साइंटिफिक नेम्स हैं जो हम देख रहे हैं कि बोटानिकल नामेनक्लेचर में जो भी बोटानिकल नेम हैं वो लैटिन भाषा में लिखे गए हैं और किसी भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है और इटैलिसाइज्ड होंगे। और सिक्स प्रिंसिपल है कि जो रूल्स हैं रूल्स ऑफ द नामेनक्लेचर रेट्रोएक्टिव, मतलब कि इसको पहले से भी लागू किया जा सकता है, बाद में भी कुछ चीज़ें छोड़ी जाए, रेट्रोएक्टिव मतलब कि बाद में भी जो चीज़ें छूट गई हैं उसको आप लगा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि ये तब से माना जाएगा जब जैसे कि आज ही आप किसी प्लांट की क्या करते हैं कि आपने रिसर्च के दौरान किसी प्लांट को खोजा, डिस्कवर किया, अब उस डिस्कवर के बाद आप कह सकते हैं कि अब इसके नाम को नामकरण देने का जब से इसका नाम तब से माना जाएगा जब से ये ICBN इस नाम को क्या करता है कि लागू कराता है जो कि 1892, तो ये रिट्रोएक्टिव है, हालांकि ये एक्सप्रेसली लिमिटेड है, तो ये जो रूल्स हैं ये इस तरीके से लिमिटेड ही हैं। अब हम कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे कि यहाँ पे जो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड हैं कि इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज़ के बाद यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स जो कि इस नामेनक्लेचर्स में आए हैं हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उस डिस्कस के बाद फिर हम आज क्लास को ओवर करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ टाइप ऑफ मेथड को देखेंगे और टाइप ऑफ मेथड कौन कौन से हैं हम उन चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द नामेनक्लेचर टाइप्स एंड द टाइप टॉपिक इज द टाइप मेथड। अब ये टाइप मेथड क्या होता है, हम इसको देखते हैं कि जो रूल्स हैं
अब उसमें जो आर्टिकल्स के आधार पर ICPN ने कुछ रूल्स पारित किए जो अपने प्रिंसिपल के आधार, तो उसमें उसमें कुछ ने कुछ आर्टिकल्स को उन्होंने जोड़ा, तो आर्टिकल 7 यहाँ पे आप फोकस करिएगा कि आर्टिकल 7 है उसमें जो मेथड्स हैं उन्हीं के बेसिस पर जो नॉमिनेचर को दिया गया किसी ऑथर द्वारा, किसी भी बॉटनिस्ट द्वारा, अब उसमें क्या क्या चीज़ें, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है आती हैं जिसको कि आपको बॉटनी जब आप टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वर्ड कुछ टर्म्स आएंगे। तो जैसे पहला टर्म्स है कि आप होलोटाइप, अब हम इस चीज़ों को समझाते जाएंगे। होलोटाइप क्या है कि जो कि ऑथर जो इस नॉमिनेचर को देने वाला है वो ऑथर ही क्या करे कि होलोटाइप इज द स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट यूज बाय द ऑथर, जो कि ऑथर के द्वारा ही वो स्पेसिमेन को पूरी तरीके से यूज़ किया जाए और उसको ही वहाँ से एज ए नॉमिनेचर टाइप में उसको क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। मतलब किसी ऑथर द्वारा अगर कोई भी उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है और उस स्पेसिमेन में से किसी एक या पूर्व संपूर्ण को एज ए होलोटाइप, मतलब कि उसके नॉमिनेचर के लिए एज ए नॉमिनेचर टाइप ए ऑथर जो है, अब क्या किए जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक कोई हर्बेरिया है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स, तो यहाँ पे उन्होंने 4 कलेक्ट किए कोई भी स्पेसिमेन। अब 4 स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद उन्होंने इस नॉमिनेचर के लिए किसी एक को यहाँ पे चुन लिया ऑथर ने, तो यहाँ पे जो सेलेक्ट किया उन्होंने एक को और वो कैसे किस तरीके से डिजिग्नेट हुआ कि वो जो है एज ए नॉमिनेचर टाइप। नॉमिनेचर टाइप तो ये नॉमिनेचर टाइप इसी 4 में से किसी एक को जो लिया गया है वो एक होलोटाइप की तरह काम किया है। तो मतलब इस पूरी स्पेसिमेन जो स्पेसिमेन है इस पूरे हर्बेरिया में उसको किसी एक के द्वारा इंडिकेट करने से वो पूरे के पूरे उस कलेक्टेड पार्ट को ही क्या किया जा रहा है, डिजिग्नेट कर रहा है। तो उसमें किसी एक के नामकरण के आधार पर जो ऑथर है, ऑथर के द्वारा स्वयं जो चीज़ें कलेक्ट की गई हैं और उसको नॉमिनेचर के रूप में एज ए नॉमिनेचर टाइप उसको इस्तेमाल किया गया, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि एज ए होलोटाइप। और बात दूसरी आती है यहाँ पे आइसोटाइप। अब आइसोटाइप में क्या होता है कि अगर मिनिमम यहाँ पे 4 स्पेसिमेन हैं, 4 में से एक को हमने होलोटाइप के रूप में इस्तेमाल किया, एक को होलोटाइप के रूप में इस्तेमाल करने के बाद भी यहाँ पे जो 3 यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब ये 3 क्या हैं वो एक दूसरे से क्या हैं कि एज ए सी आइसोटाइप, मतलब एक दूसरे के आइसो मतलब एकदम समान रूप से, एक तो होलोटाइप के रूप में डिजिग्नेट हो गया है लेकिन और जो बचे हुए 3 हैं ये एकदम समान रूप से हैं, उसमें समान आइडेंटिटी है, समान करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी के बेसिस पर हम उसको आइसोटाइप, आइसो मीन्स होता है इक्वल। तो इक्वल तरीके से ये इनकी क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इस तरीके से हम इनको क्या कह सकते हैं कि एक इनको हम आइसोटाइप के रूप में डिजिग्नेट करते हैं कि ये ऑथर द्वारा ही सिलेक्टेड होते हैं, ऑथर द्वारा ही सिलेक्टेड हुए। जैसे ऑथर ने 4 स्पेसिमेन को सिलेक्ट किया, 4 में से किसी एक को नॉमिनेचर टाइप के रूप में आइडेंटिफाई किया तो उसको होलोटाइप कहा जा सकता है और वो इस कंप्लीट पूरे ग्रुप को डिजिग्नेट करेगा। और इसमें से जो लेफ्ट 3 बचे हुए हैं ये 3 क्या कहलाते हैं, एज ए आइसोटाइप। अब यहाँ पर हम तीसरा बात करते हैं तीसरे टर्म्स को, दैट इज द सिंटाइप। इन सिंटाइप हियर वी विल डिस्कस दैट इफ द इन द स्पेसिमेन
the taxonomic or the author is not designated, is not selected any specimen as a holotype. If the author is not selected, मतलब कि जो भी स्पेसिमेन इस हर्बेरिया से कलेक्ट किए गए हैं वो एज ए होलोटाइप, इसमें से कोई भी होलोटाइप के रूप में डिजिग्नेट नहीं किया गया है, तो ये जो भी चारों के चारों हैं यहाँ पर, एक ए दो तीन चार, ये चार के चारों एक दूसरे के रूप में किस तरीके से जाने जाएंगे, एज ए सिंटाइप, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सिंटाइप के रूप में जाना जाएगा। तो आइसोटाइप और सिंटाइप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको। जैसे कि आइसोटाइप में क्या है कि वो इस किसी स्पेसिमेन के होलोटाइप के डिजिग्नेट करने के बाद जो बचे हुए स्पेसिमेन हैं वो आपस में आइसोटाइप के रूप में जाने जाएंगे। और ये जो सिंटाइप है, ये जो है इसमें जो आथर हैं उस स्पेसिमेन में किसी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिमेन को क्या किया है कि ये पूरी तरीके से इसमें से कोई भी होलोटाइप के रूप में डिजिग्नेट नहीं किया गया है। और डिजिग्नेट नहीं करने के बाद जितने भी स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं ये सभी के सभी एक्स एज ए सिंटाइप। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि एक होता है लेक्टोटाइप। अब लेक्टोटाइप में क्या होता है कि ये भी इसी आइसोटाइप और सिंटाइप से ही क्या कहते हैं, इसी में से जो आइदर थ्री और द फोर्थ, इफ द होलोटाइप वाज डिजिग्नेटेड, मतलब उस जो होलोटाइप है उस डिजिग्नेट किया गया है, उसके बाद के जो स्पेसिमेन बचे हुए हैं या डिटरमाइन नहीं किए जा सके हैं, तो इन जो आइसोटाइप और सिंटाइप हैं उनमें से जो भी सेलेक्ट किए जाएंगे वो एज ए लेक्टोटाइप के रूप में जाने जाएंगे। तो लेक्टोटाइप को हमें कह सकते हैं लेक्टोटाइप मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द आइसोटाइप एंड सिंटाइप फ्रॉम द प्लांट मटेरियल दैट वाज एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब हम बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी, नियोटाइप। नियोटाइप मीन्स इफ द ऑथर हैज सिलेक्टेड द स्पेसिमेन बट नॉनदलेस आर एक्स एज ए होलोटाइप, उसमें से कोई भी होलोटाइप के रूप में जो कि नॉमेनक्लेचर के टाइप के रूप में डिजिग्नेट किया जा सके ऐसा कोई स्पेसिमेन नहीं है। तो इस तरीके से जैसे कि चारों के चारों क्या करते हैं, सेल मार गए तो और इसके स्थान पे किसी दूसरे को यहाँ पर स्पेसिमेन को एज ए नॉमेनक्लेचर टाइप के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम नियोटाइप कहेंगे। अब तीसरा टर्मिनोलॉजी है कि ये कोटाइप। कोटाइप क्या है, कोटाइप एज ए आइसोटाइप और सिंटाइप के रूप में ही है, जो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू ईच अदर। और एक लास्ट दैट इज द टोपोटाइप। टोपो मीन्स होता है कि एक ही जो टेरेस्ट्रियल प्लेस है, प्लेसेस के जो कि प्लेस एक ही प्लेस से अगर उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है तो हम उस तरीके के स्पेसिमेन को क्या कहते हैं, टोपोटाइप। तो एक टोपोटाइप हुआ, कोटाइप हुआ, अब एक लास्ट दैट इज द पैराटाइप। तो पैराटाइप में क्या होता है कि इट इज द समटाइम्स यूज्ड बाय द ऑथर वाइल डिस्क्राइबिंग ए टैक्सॉन विच इज ए स्पेसिमेन अदर देन द आइसोटाइप एंड सिंटाइप। तो ये जो स्पेसिमेन है ये आइसोटाइप और सिंटाइप से अलावा, अगर इसके अलावा जो है ये कोई भी स्पेसिमेन एज ए नॉमेनक्लेचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसको पैराटाइप कहते हैं। पैराटाइप का मतलब है कि इसी के पैरेलल में किसी दूसरे स्पेसिमेन से। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द न्यूटाइप। पैराटाइप को भी एक न्यूटाइप के रूप में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि जो ऑथर द्वारा खुद ही डिजिग्नेट किया गया, खुद ही अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, पहला होलोटाइप, आइसोटाइप, सिंटाइप।
इन तीनों को आथर के द्वारा स्वयं किया गया है, और सारी जो भी चीज़ें हैं चाहे इलेक्ट्रोटाइप हो न्यूरोटाइप हो, ये आथर्स के अलावा किसी दूसरे द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम ऑल इन ऑल टैक्सोनॉमी के कुछ टर्म्स और उसके प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस और सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, और हम आई होप दैट यू विल श्योरली बी ग्रेस्ट इट एंड विल बी बेनिफिटेड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर कॉलिग्स दैट दे विल बी ऑल्सो बी बेनिफिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। थैंक्स टू टूडेज क्लास। ओके।